जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिनेत्र की फोकस दूरी, अभिनेत्र मतलब यफी का जो दिया है 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी, समायोजन मतलब कह रहा है कि टारगेट को सेट कर लो, टारगेट यानी ऑब्जेक्ट को सेट कर लो, जब सेट कर लोगे दोनों लेंस के बीच की जो समायोजन के बाद उसका आवर्धन क्षमता है, एम बराबर हमको दिया है कितना मेरे भाई 15 दिया है। तो कह रहा है अभिनेत्र तथा अवदेशक के बीच की दूरी, इस समय जो दूरी होगा ये हमको एक्चुअली बात कर रहा है जब प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बने उस समय संयोजन की बात कर रहा है। तो जो नली की लंबाई होगी वो होगा एफ ओ प्लस में एफ ई, तो एफ ई का मान दिया है, एफ ओ अगर पता चल जाए तो निकाल लेंगे। तो फार्मूला उस समय जो होता है आवर्धन का होता है एफ ओ अपान एफ ई, माइनस में होता है, क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। कैसे मेरे भाई उल्टा बनेगा? तो यहाँ पर माइनस साइन हमको नहीं लेना है क्योंकि नली की लंबाई लेनी है हमको। तो एम बराबर 15 दिया है, एफ ई का मान 6 गुणा मार देंगे तो एफ ओ बराबर कितना आ जाए, 15 × 6 = 90 पड़े हो गए। तो ये दोनों को जब जोड़ना है, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 96 सेंटीमीटर उस समय नली की लंबाई होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसको देखते हैं, इसमें कह रहा है खगोली दूरबीन में, खगोली दूरदर्शी बोला जाए, खगोली दूरबीन गाँव में बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअली टेलीस्कोप होता है यानी कि दूरदर्शी होता है, में बना अंतिम प्रतिबिंब जो लास्ट वाला प्रतिबिंब होता है कैसे बनता है मेरे भाई? उल्टा बनता है और क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो इसमें जो भी होगा उल्टा काल्पनिक है ही वाला आंसर हो जाएगा। कौन वाला है ही वाला? सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी दोष को दूर करने के लिए हम लोग को बनाया गया था पार्थिव दूरदर्शी, जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, इसीलिए तो बनाया गया था कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु को देखना होगा, दूर देखना है, तो इसमें जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा तथा काल्पनिक बनता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को देखेंगे तो उल्टा बना देगा, तो उल्टा बनाएगा तो हमारे काम का नहीं है, इसलिए क्या बनाया गया था? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाया गया था इसी दूर को दूर करने के लिए। यहाँ पर लिखा है, हमसे कह रहा है एक दूरदर्शी के अभिनेत्र, अभिनेत्र बोलते हैं तो यफ ई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर तथा अदृश्यक की फोकस दूरी यफ ओ बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर। श्रांत आँख के लिए बोल रहा है, यानी कि आँख जब दम रिलैक्स है, आँख पर ना तो कोई इसी तरह का कंट्रक्शन है, यानी कि ना तो आँखिया इसे सुकड़ा है ना ही बहुत ऐसे फैला है, मतलब आराम से आँख रिलैक्स है, उसके लिए हमसे कह रहा है आवर्धन। तो उस सिचुएशन को कहा जाता है इनफाइनाइट सिचुएशन, माइनस में एफ ओ अपान एफ ई हमको निकालना है, मान रखेंगे तो कितना आ जा रहा है 12 आ जाएगा। कितना मेरे भाई 12। यहाँ पर साइन मैटर नहीं करता, जब इनफाइनाइट बोले या फिर श्रांत आंक बोले तो चिन्ह को आप केयर नहीं करोगे, आंसर टिक कर दोगे, इसका करेक्ट आंसर है। गैलीलियो का दूरबीन में नेत्रिका, जो गैलीलियो साथ देखो पहले जो दूरदर्शी होता है उसमें दोनों क्या लगाए जाते हैं? उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, अदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है बड़ा होता है, उसके बाद एक नेत्रिका लगाई जाती है छोटे लेंस का, छोटी फोकस दूरी का होती है बड़ी फोकस दूरी का, ये बन जाता है हमारा क्या? दूरदर्शी। लेकिन जब गैलीलियो साहब ने बनाया था यही नेत्रिका को, क्या बना दिए थे मेरे भाई? अवतल लेंस ले लिए थे। कौन से ले लिए थे? अवतल लेंस ले लिए थे। ये किनके किनका दूरदर्शी है? गैलीलियो साहब का। तो इसमें क्या आ जाएगा? अवतल लेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन गैलीलियो वाला कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं